मैं विकास भैया का दवाई 2 दिन से अभी खा रहा हूँ। मुझे बहुत आराम है, 2 ही दिन में भाई आराम है। मैं दूध भी पी रहा हूँ कल से, मीठा भी खा रहा हूँ। उसके बाद हर प्रकार का सब्जी खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। शुरू दिन हाँ मैंने दवाई खाया तो सुबह में ज़रा बाथरूम जैसे कि बाथरूम दूसरे टाइप का हुआ, लेकिन फिर कल रात में मैंने दवाई खाया, आज बाथरूम अच्छा भी हुआ, फ्रेश भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो बोलते हैं घी मीठा और उसके बाद दूध नहीं पीने के लिए। हाँ मैंने दूध रात में पिया, कान में हमको लैटरिन लगा, कुछ नहीं लगा, दूध आराम से पिया। यार ये डर मन में बैठ गया, सबसे बड़ी बात तो ये डर बैठ गया एक आदमी के मन में कि दूध पियोगे। हाँ मैंने भी किन उन बड़े बड़े आदमियों के कहने पर 2 साल से लगभग 1.5 साल से दूध नहीं पिया, ना चीनी खाया, ना कुछ खाया। डर लगता था, मन में डर था, खाएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन नहीं कहाँ कुछ। कल रात में मैंने दूध भी पिया, गुड़ भी खाया, हाँ तेल मसाला भी काश भी बोलते हैं कम खाने के लिए, वो कम खाता हूँ, लेकिन इधर मैं सब कुछ खाता हूँ, रोटी दूध दही केला सेब अनार सब, यार सब। अब भरपेट खाना खा रहा हूँ भाई, सही बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, भरपेट। मन में किसी के गलत फहमी नहीं भरना चाहिए, किसी को भी गलत फहमी भरने से दिल में और दर्द होता है और वो बीमारी बढ़ने लगता है, जिससे मेरे साथ हुआ। मन में कोई कोई कुछ कुछ भर देता था, डर लगता था, छोड़ देते थे उसको खाने के लिए। अब पेट भी दर्द नहीं कर रहा है, आराम से पेट भी दर्द नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। देखो भाई पूरा हंसमुख हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पेट भी दर्द नहीं कर रहा है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम से सब कुछ कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि विकास भी हमको और जल्दी ठीक कर देंगे, दवाई भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मज़ा में भाई मज़ा में। यार जिसे प्रॉब्लम है विकास भैया से कॉन्टैक्ट करिए, विकास भैया ज़बरदस्त ज़बरदस्त आदमी, ज़बरदस्त यार, हमसे हमेशा बात करते हैं विकास भैया, अपना छोटा भाई समझ करके अच्छा से बात करते हैं। अभी भी ठीक हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सोते हैं रात में। विकास भैया बोलते हैं कि 24 घंटा में 8 घंटा सो, 14 घंटा रगड़ कर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटा लेकिन रपेट करके सो, 8 घंटा भाई रपेट करके सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यार जो भी विकास भैया का इंसल्ट कर रहा है ना भाई, एक बार दवाई खा के देखो, जिसको आईबीएस में वो क्या इंसल्ट करेगा यार, ज़िंदगी में एक बार आईबीएस का मज़ा भी लेके देखो, क्या मज़ा है आईबीएस में, ज़िंदगी में एक बार आईबीएस का मज़ा लेके देखो। जो बोल रहा है ना कमेंट में उल्टा पुल्टा बात, वो एक बार आईबीएस का मज़ा लेकर के देख लो क्या है। मैंने तो मज़ा लिया है, ले भी रहा हूँ, अभी कंट्रोल भी हो रहा है मेरा आईबीएस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है अभी कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से हैं। लैट्रिन भी सुबह में एक बार जाते हैं, खाना भी एकदम भरपेट खा रहे हैं, भरपेट खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, फिर अभी शाम में खाते हैं, फिर रात में, 4 टाइम भरपेट खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पेट के बारे में कुछ सोचते नहीं है। विकास भैया बोलते हैं सीधा क्या, किसी प्रकार का वीडियो मत देखो। अरे यार वीडियो देखोगे ना, वीडियो देखोगे तो मन में भ्रम पैदा होगा, उसी वीडियो के कारण तुम्हें डर लगेगा, डर के मारे म्यूकस आएगा, लैट्रिन आएगा, इतना खाना खा लिया, उतना खाना खा लिया, डर बैठ जाएगा। इसलिए यार हम भी बोलते हैं किसी प्रकार का यूट्यूब का वीडियो मत देखो, मत देखो भाई, मत देखो, मत देखो। हाथ जोड़ता हूँ सबके सामने।
विकास भैया भी यही बात बोलते हैं, किसी प्रकार का वीडियो मत देखो। वीडियो जिस दिन से छोड़े भाई देखने के लिए, पेट के लिए, उस दिन से सोचो कि ठीक हो जाओगे 100% क्योर। और मैं विकास भैया का दवाई खा रहा हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, आराम से हूँ, देख लो मैं खुश हूँ, क्या बोलूँ। इस IBS के 2 साल के सफ़र में मैंने बहुत सारे लोगों का नियम फॉलो किया, जिसमें एक बाबा रामदेव जी हैं, उनके भी नियम को फॉलो किया मैंने 1.5 साल तक। दूध, घी, मीठा सब कुछ बंद कर दिया था, दूध भी। लेकिन हाँ, मैं बाबा रामदेव को गलत नहीं बोला, और सब क्षेत्रों में वे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक मन में धर्म बैठ जाता है बोलने के बाद, दूध घी मीठा बंद करने को बोलने के बाद। मैंने सुन करके डर के मारे बंद कर दिया था, लेकिन विकास भैया बोले कि खाओ, सब कुछ खाओ, खाने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सब क्षेत्र में बाबा रामदेव सही कर रहे हैं, इसमें भी सही कर रहे हैं, लेकिन वीडियो देख देख करके हमें डर लगने लगा था बाबा रामदेव का, इसलिए हम सोचे क्या दूध घी मीठा बंद कर देने में ही बेटर है। मैंने बंद कर दिया था, लेकिन विकास भैया बोले नहीं नहीं बंद करना है, खाओ, खाएँ, दूध घी मीठा सब खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। उनका काउंसलिंग से ही तो हमें बहुत आराम मिल गया है, और अभी आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। बाय बाय।